नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं जसपाल ब्रदर एग्रो फार्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फार्मर भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो पिग फार्म है ज़्यादातर फेल क्यों होते हैं या फेल होने का क्या कारण है, आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने फार्म पे पिग फार्मिंग से संबंधित जो वीडियो डालते रहते हैं। फार्मर भाइयों, हमने बहुत बार देखा है कि जो पिग फार्म है बंदा करता तो बड़े हौसले से है, पर धीरे 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 वो पिग फार्मिंग है बंद होने के कगार पर आ जाती है, यहाँ तक कि वो जो लास्ट में जाके बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। आज हम इसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक फार्मर भाइयों, हमें 5 साल हो गए पिग फार्मिंग करते हुए, यहाँ तक थोड़ा हमें नॉलेज है। जो हमारे सामने बातें आई है पिग फार्मिंग फेल होने के, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अदरवाइज हर एक फार्मर की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तजर्बा होता है। फार्मर भाइयों, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेल होने का कारण है, ठीक है जी, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है फेल होने का पिग फार्मिंग के, जो मेन रीजन है वो है जी विदाउट ट्रेनिंग स्टार्ट करना। फार्मर भाइयों, जब भी कोई फार्मर है जो नया फार्म स्टार्ट करता है, तो उसको सबसे पहले जो ट्रेनिंग करनी बहुत ही आवश्यक होती है। यदि आप बिना ट्रेनिंग के कोई काम स्टार्ट करते हो, चाहे पिग फार्मिंग है चाहे कोई अदर भी ले लो आप, पर हम बात है जो पिग फार्मिंग कर रहे हैं, तो पिग फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि जैसे आपने विदाउट ट्रेनिंग पिग फार्मिंग स्टार्ट कर लिया, तो आप उसमें लगभग 95% चांस है भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग है जो मेन आधार है पिग फार्मिंग का। ट्रेनिंग के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, प्रॉपर जो मेडिसिन की नॉलेज दी जाती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ब्रीड के बारे में पता चलता है, मार्केटिंग के बारे में चलता है, जो जानवर का स्वभाव है, रख रखाव है, मैनेजमेंट है, उसके बारे में हमें बताया जाता है और हमें देखने को मिलता है। तो मेरी सब फार्मर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी फार्मर भाई है जो फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो भाई एक बार ट्रेनिंग है जो वो अवश्य पूरी करे, चाहे आप ट्रेनिंग जहाँ से मर्जी ले, चाहे सरकारी फार्म से ले चाहे प्राइवेट फार्म से ले, पर एक बार आप जो है जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो पूरा ज़रूर करें। और दूसरा है फार्मर भाइयों, ब्रीड का। यहाँ तक देखा गया है कि कई पिग फार्मिंग है जो फार्मर है, ट्रेनिंग भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं और फार्मर चल भी स्टार्टिंग भी बढ़िया करते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते। तो इसमें फार्मर भैया जो आ जाता है काम, वो आ जाता है ब्रीड का। जो आपके पास ब्रीड है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, लाइन लेंथ वगैरह उसकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है जी, और बच्चे वगैरह बढ़िया दे आपके फार्म पे, तो वो ही ब्रीड आपके फार्म पे आके कामयाब हो सकती है। चाहे आपको 2 रुपये महंगी खरीदनी पड़ जाए, पर एक बार आप जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी ब्रीड खरीदो, देख के खरीदो, लाइन लेंथ देख के खरीदो। यदि आपको कम एक्सपीरियंस है ब्रीड के बारे में, तो कोई ऐसा आप जानकार फार्म, ठीक है जी, या कोई आपका कोई यार बेली मित्र कोई ऐसा जो जानकार हो, जो ब्रीड का पूरा नॉलेज रखता हो, जिसको फार्म किए हुए 3-4 साल हो गए हो, तो आप उसके फार्म से ही आप ब्रीड ले सकते हो। नहीं तो यदि आपके उसके फार्म से ब्रीड नहीं पसंद आती है, तो आप उसको साथ लेके किसी और फार्म से भी आप ब्रीड है जो ले सकते हो। पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा है जो फार्म के अंदर है, जो आपको आउटपुट निकाल के देगी वो आपकी ब्रीड ही निकाल के देगी। यदि आपके पास ब्रीड अच्छी होगी, तो आपका फार्म है जो बहुत सक्सेस होगा और आगे भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो फार्मर भैया बात आ जाती है, वो आ जाती है मैनेजमेंट की। जो अपने फार्म का मैनेजमेंट है वो एक बढ़िया तरीके से होना चाहिए, और पूरे के पूरा मैनेजमेंट अपने को पता होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने फार्म में जो लेबर रख लेते हैं, वो सारा जो काम है वो लेबर के भरोसे ही छोड़ देते हैं। फार्मर भैया, जो फार्म है वो लेबर के भरोसे नहीं चलते। हाँ, आप लेबर रखो, ऐसा भी किसी बंदे के कोई बिजनेस भी होते हैं, कोई जॉब भी होती है, बंदा नहीं टाइम दे सकता। आप लेबर रखो, जरूर रखो, 2, 4, 5 जितनी लेबर रखनी है रखो, पर उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखो कि जो लेबर है वो क्या काम कर रही है, ठीक है जी, जो फीड मैनेजमेंट आपका वो सही तरीके से फॉलो कर रही है,
कोई जानवर है जो बीमार होता है उसका वो कितना ट्रीटमेंट कर रही है, जहाँ आपके फार्म पे जो लेबर है वो कितनी एक्सपीरियंस वाली है, उसको मेडिसिन के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, उसको फीड के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, उसको जानवरों के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और चाहे आपने काम है जो लेबर से करवाना हो, पर मैनेजमेंट आपको ही देखना चाहिए, जैसे कि आपको कौन सा जानवर बीमार है, कौन सी मादा की कब डिलीवरी होनी है, और आगे का जो मैनेजमेंट है जी आपको पता होना चाहिए भी कौन सा फार्म कौन सा जानवर है जो कब बीमार हुआ था, क्या ट्रीटमेंट किया था, कौन सी फीमेल कब क्रॉस हुई थी, कब इसकी डिलीवरी है, पूरा पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए आपका फार्म का, और पूरा पूरा एक लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे कि आपको पूरे का पूरा पता चलता है। इसके अलावा जो फार्मर भाइयों ज़्यादातर हमने देखा है फार्मर जो फेल होने का कारण वो होता है भी शुरुआत में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके भी शेड वगैरह बहुत लंबा चौड़ा डाल लेना, और उसके अंदर जो जानवर बहुत कम मात्रा में डालना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत बार देखा है कि जो शेड पे तो लगभग 10-10, 12-12 लाख रुपया आराम से इन्वेस्ट कर देते हैं फार्मर भाई, इससे भी ज़्यादा कर देते हैं, और जो उसके अंदर जो जानवर है वो बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। फार्मर भैया जो आपकी इनकम है वो आपके जानवरों ने ही आपको करके देनी है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा जो जानवरों पे ध्यान दें, चाहे आप शेड है एक बार चाहे आप सस्ता डाल लें और थोड़ा कम डाल लें, पर उसके अंदर जानवर आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप शेड भी और बढ़ाते जाना और जानवर भी और डालते जाना, पर शुरुआत में आपने जितना यदि 2 लाख रुपया शेड पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसके अंदर 4 लाख रुपए के जानवर है जो अपने होने चाहिए, ताकि अपने को जो एक आउटपुट है वो एक बढ़िया तरीके से जो निकल के आ सके। और जो कई बार हमने ये भी देखा है कि फार्मर भाइयों की जो आपसे में बातें होती है उसमें वो चर्चा करते हैं कि होममेड फीड डालें या कंपनी की फीड डालें। फार्मर भाइयों ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है जी। यदि आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है फीड का, आपको पूरा पता है फीड के बारे में, ठीक है, फिर तो आप घर की फीड है जो बना सकते हैं, अन्यथा आप कंपनी की फीड डाल सकते हो। ये मतलब मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा भी आप कंपनी की फीड ही डालें, क्योंकि ये हर एक अलग अलग फार्म की अलग अलग सोच हो सकती है। तो जैसे हमने नई फार्मिंग स्टार्ट की है तो नई फार्मिंग में हमने कई बार देखा जो फार्मर भाई होते हैं जो होममेड फीड है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फार्मर भाई जब आप नया फार्म स्टार्ट करते हो तो उस वक्त आपको फीड से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फीड है जो एक बार कंपनी की ही चलानी चाहिए, क्योंकि जब आप घर की फीड शुरुआत में डालते हो, क्योंकि एक तो आप बिल्कुल नए होते हो फ्रेशर होते हो, आपको पिग फार्मिंग में नॉलेज नहीं होता है, दूसरा आप है जो आपको फीड के बारे में भी नहीं नॉलेज होता, आप जो किसी से फार्मूला लेके आप घर की फीड तैयार कर लेते हो वो आपके जानवरों पे आप उनको डालना शुरू कर देते हैं अपने जानवरों पे, पर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो आपको उस वक्त नहीं पता चलता है। जब आपके जानवर वेट डाउन करना चालू कर देते हैं तब तब पता चलता है आपको भी ये फीड सही नहीं बनी, जानवर है जो कमज़ोर होने लग गया। तो जब एक बार फार्मर भाई वो जानवर कमज़ोर पड़ना लग जाता तो वो रिकवर बहुत मुश्किल से होता है, रिकवर हो जाता है बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर, फिर जो हमें फीड पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए आप एक बार कंपनी की फीड डाल लो जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हो कोई 2-4-6 महीने, उसके बाद जब आपको नॉलेज आ जाए धीरे धीरे तो आप होममेड फीड स्टार्ट कर सकते हो, पूरे बढ़िया तरीके से बढ़िया फार्मूला लेके उसको बना के आप घर की फीड है जो तैयार कर सकते हो और आप अपने जानवरों को खिला सकते हो। जब भी आप अपनी घर की फीड तैयार करो तो आप कोई से भी 8-10 जानवर है जो बढ़िया तंदुरुस्त हो, बढ़िया हो, पूरी वैक्सीन डन हुई हो, वैक्सीन तो वैसे पूरे फार्म के अंदर ही करनी चाहिए समय समय पर जो जानवर है आपको बढ़िया लगे भी हाँ जी ठीक है, वो 10 जानवर आप अलग निकाल के उन पर आप पहले ट्रायल लगाओ, ठीक है जी, 10-15 दिन जब ट्रायल लगाओगे तो वो यदि आपको उस ट्रायल में बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो आप सभी जानवरों पे जो फीड है होममेड वो डालनी शुरू कर दो। बट ऐसा है भी कहीं आप सीधी फीड बनवा के सीधा का सीधा सारे जानवरों को डालने लग जाओ, ये तरीका थोड़ा सही नहीं है, पहले आप उस फीड का ट्रायल ज़रूर लगवाओ, चाहे आप 4 बार फीड बनवाते हो चाहे आप 5 बार, उसका ट्रायल लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ फार्मर भाइयों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद।